किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली न केवल आज के वक्त जरूरत है, बल्कि किसान इस पद्धति से खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। वैसे तो कहीं ना कहीं किसान खेती की इस पद्धति से जुड़े हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर इसकी शुरुआत करें तो खेतीबाड़ी से और भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से अपनाए समेकित कृषि प्रणाली और कैसे आपके लिए लाभकारी है, आइए जानते हैं। वर्तमान समय में हर घर की ज़रूरत, दिन ब दिन कृषि के योग घटती भूमि और कृषि योग भूमि में घटना, एकमात्र विकल्प किसानों के लिए है कि वो अपने घर की हर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली हम लोग वैसी कृषि प्रणाली को कहते हैं जहां कृषि और द्वितीय कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े कम से कम दो कंपोनेंट या घटक का हम लोग अपनी खेती में इस तरह समायोजन करते हैं कि एक के समायोजन से दूसरे की उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और पूरे वर्ष स्वरोजगार का सृजन होता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूं तो इसके बहुत से मॉडल हैं जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। समेकित कृषि प्रणाली हर किसानों का एक अलग होता है क्योंकि हमारे जो भी किसान समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं उनको कुछ खास बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि उनका ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है या निचली ज़मीन है। अगर ऊपरी ज़मीन है तो उसके समेकित कृषि प्रणाली के घटक अलग होंगे, मध्यम ज़मीन है तो उसके घटक अलग होंगे और जो निचली ज़मीन है उसके घटक अलग होंगे। आप आसानी से जब आपके पास ऊपरी ज़मीन है जहाँ पर पानी कम लगता है वहाँ पर आप फसल के साथ बागवानी, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन, ये सारी चीज़ें, गौ पालन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ मुर्गी पालन को भी जोड़ सकते हैं। आपकी मध्यम दूरी की जगह है वहाँ पर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन और भी हर चीज़ को जोड़ सकते हैं। और जब आपकी बिल्कुल निचली जगह है वहाँ धान सौ मछली पालन, धान सौ बत्तख पालन, फिर आप मछली कम जो है बत्तख पालन और फिर मछली के साथ आप बत्तख पालन, मुर्गी पालन आप बहुत ही आसानी के कर सकते हैं। हम हमारे बत्तखों को तालाबों से उसके भोजन का लगभग 20% तक जो भोजन की आवश्यकता होती है वो तालाब के द्वारा पूर्ति हो जाती है और तालाब से हमको जो बत्तख पालन में उसके भोजन पर जो आवश्यकता होती है भोजन की वो 20% तक कम खर्च करनी पड़ती है। बदले में जो ये बत्तख है हमारे तालाबों को एयरेट करती है, उसमें ऑक्सीजन को घोलती है, वहाँ पर जितने फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो बीट पानी में करती है उससे उसमें तालाब में बनने में मदद आती है। उसके अतिरिक्त जितने कीड़े मकोड़े के लार्वे तालाब के ऊपर रहते हैं उसको वो आसानी से खा जाती है। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं, साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं, इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में, खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं, साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं।
धान सह मत्स्य पालन आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ खास ध्यान बात रखना होगा कि आपका जो खेत अगर नीचा है तो खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच, एक गड्ढा नुमा बना दें, या फिर अपने खेत के बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा 20 बाई 20 फीट का बना लें, और इसमें आप लंबी अवधि के धान का प्रयोग करें। जो 135-40 दिनों का धान का प्रभेद है उसका हम लोग चयन करेंगे, और मछली का जो आप वैसे खेतों में डालेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियाँ धान सौ मत्स्य पालन में हम नहीं डालेंगे। और जो मछली का साइज़ हम लोग डालेंगे वो कभी भी स्पॉन या फ्राई नहीं डालेंगे। आप हमेशा अंगुलिका और हाफ ईयरलिंग का मत्स्य का बीज आपको उपलब्ध हो जाता है, तो प्रति एकड़ आप 4000 की संख्या में अगर आप डाल लेते हैं तो आपको 120 दिन के आसपास में जो वो मछलियाँ हैं उनका वज़न लगभग 350-400 ग्राम के आसपास का हो जाता है। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। आप जहां पर समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं वो मार्केट, जो उत्पादन आप चीज करना चाहते हैं क्या उसकी मार्केट डिमांड है कि नहीं। तीसरा, उस इलाके का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। चौथा, आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास संसाधन क्या है और आपके पास पूंजी क्या है। इस बातों का ध्यान रख के ही हमको समेकित कृषि प्रणाली के अंदर अपने घटकों का चयन करना, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समेकित कृषि प्रणाली करते वक्त जो चुन रहे हैं क्या उसको करने में आपकी रुचि है कि नहीं।